सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बबलू लाहौरी को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक एंड इंटरेस्टिंग सी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको शौक है अच्छी अच्छी सेल्फीज बनाने का तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी न्यूज है कि वीवो ने लॉन्च कर दिया है अपना एक सेल्फी एक्सपर्ट वीवो V7 Plus को, और इसमें आपको मिलेगा जॉइंट फ्रंट कैमरा जो क्या है 24 मेगापिक्सल का सिंगल लेंस फ्रंट फेसिंग कैमरा, और इसमें आपको मिलेगी मूनलाइट फ्लैश वाली सेल्फी भी। और वीवो ने अपनी इस फ्लैगशिप वीवो V7 Plus को पाकिस्तान में लॉन्च किया था रिसेंटली 4 अक्टूबर को। तो चलिए इसकी जो स्पेक्स हैं उसे डिटेल में देखते हैं कि इसकी स्पेक्स में क्या अच्छा है क्या बुरा है और क्या इसकी जो स्पेक्स हैं इसकी जो प्राइस को जस्टिफाई करती हैं कि नहीं करती, और ये सब चीजें होंगी आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों अगर V7 Plus की बात की जाए Vivo के, तो Vivo की तरफ से इसमें कुछ चीजें प्लस करने की कोशिश की गई है, और जो सबसे बड़ा प्लस है वो है इसके कैमरे का प्लस। जो इसका फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा है वो आपको मिलेगा 24 मेगापिक्सल का जो है एक सिंगल लेंस कैमरा, और इसमें आपको मिलेगी मूनलाइट फ्लैश वाली सेल्फी भी। और अगर इसके जो दूसरे प्लस को देखा जाए तो इसका जो दूसरा प्लस वीवो की तरफ से किया गया है वो है इसका बिग इन्फिनिटी डिस्प्ले जो आपको मिलेगा तकरीबन 6 इंचेस का इसका डिस्प्ले है 5.99 इंचेस का, और इसकी जो डिस्प्ले की एस्पेक्ट रेशियो है वो है 18:9 की। और इसमें जो वीवो की तरफ से इसकी जो साइड बेजल्स हैं उसे काफ़ी ज़्यादा बारीक बनाया गया है जो काफ़ी एक यूनिक चीज़ है, और उसके अलावा जो इसका टॉप और बॉटम बॉर्डर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम बनाया गया है वीवो की तरफ से। और ये फाइनली वीवो की पहली डिवाइस है जिसे एंड्रॉयड वर्जन नुगट के साथ लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में, और एक पाकिस्तानी मार्केट्स में वीवो की तरफ से V7 Plus की जो प्राइस रखी गई है वो है 36,000 रुपये। बट दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ एक नोट करने वाली है वो ये है कि वीवो ने 2 से 3 फीचर्स का प्लस करके इसकी जो प्राइस है वो रख दी है 36,000 रुपये। वेल अगर पाकिस्तान में आप देखें तो यहाँ पे आपको इससे लो प्राइस में अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे है ओप्पो का F3 जिसकी प्राइस भी 28,000 रुपये के राउंड अबाउट है। उसमें आपको एक ड्यूल लेंस कैमरा मिलता है जो फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा है, और ड्यूल लेंस कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो सिंगल लेंस कैमरे की परफॉर्मेंस से बेहतर हो सकती है, और इसकी प्राइसिस भी लो हैं वीवो V7 Plus से। तो खैर मैं ओप्पो F3 और वीवो V7 Plus के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाने वाला हूं जो आपको इस वीडियो के बाद में मिलेगी, और अब के लिए आगे चलते हैं और इन जनरल देखते हैं कि वीवो V7 Plus में क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या अच्छा मिलेगा और क्या आपको बुरा मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम वीवो V7 Plus के जो कुछ प्लसेस हैं उनकी बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा प्लस है वो है इसका 24 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा जो कि है एक सिंगल लेंस कैमरा, और इससे आप अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं, और इसमें आपको मिलेगी मूनलाइट फ्लैश वाली ऑप्शन भी, और इससे आप वाइड एंगल ग्रुप सेल्फीज भी अच्छी क्लिक कर सकते हैं। और इसमें आपको जो एंड्रॉयड वर्जन है वो नुगट देखने को मिलेगा, और ये वीवो की तरफ से फर्स्ट एवर डिवाइस है जो एंड्रॉयड वर्जन नुगट के साथ लॉन्च की गई है। और इसका जो उसके बाद प्लस है वो है इसका बिग इन्फिनिटी डिस्प्ले जो आता है 6 इंचेस के साथ, और इसकी जो बेजल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बारीक बनाई गई हैं वीवो की तरफ से, और इसकी जो स्क्रीन की एस्पेक्ट रेशियो है वो है 18:9 की, और इसमें आपको मिल जाता है एक जायरोस्कोप सेंसर भी। बट दोस्तों ये थी वीवो V7 Plus में जो प्लस किया गया था वीवो की तरफ से। और अगर आप इसके जो बैड थिंग्स हैं उसका मैं आपको बताऊं तो इसका जो बिग इन्फिनिटी डिस्प्ले है जिसे कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिग डिस्प्ले बना दिया, बेजल स्क्रीन बना दी, एस्पेक्ट रेशियो 18:9 बना दी, तो ये जो बिग इन्फिनिटी डिस्प्ले है ये एक HD डिस्प्ले है, ये फुल HD नहीं है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो 720x1440 पिक्सल्स का है, और जिसकी पिक्सल डेंसिटी है जस्ट 269 PPI की। तो यहाँ पे वीवो को चाहिए था कि फुल HD डिस्प्ले तो कम से कम इस डिवाइस के अंदर लेके आते। और उसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज़ है वो है इसका प्लास्टिक बॉडी डिज़ाइन। प्लास्टिक में भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा हो, देखने में अच्छा लगता हो, लेकिन शायद उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकता जितना ज़्यादा प्रीमियम मेटल उसकी बॉडी डिज़ाइन होता है। और उसके बाद दोस्तों है एक 36,000 रुपये की डिवाइस है, और उसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग तक की सपोर्ट भी आपको नहीं मिलती। और इसके अलावा जो डिस्कस करें तो इसके अंदर जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है 450 की चिपसेट यूज़ की गई है, तो शाओमी रेडमी नोट 4 जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में पाकिस्तान में, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 की चिप आपको दे रहा है। तो कहा जा रहा है जिसके अंदर डेडिकेटेड स्लॉट है, स्मूथ परफॉर्मेंस है इसकी, लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं 27,000 से 28,000 रुपये की प्राइस रेंज में भी, सिर्फ अच्छी सेल्फीज, और जिनकी प्राइस होगी 36,000 रुपया।
दोस्तों हद है यहाँ पे किसी भी चीज की, क्योंकि पाकिस्तान में आपको अभी भी कुछ ऐसे ब्रांड्स मिल जाते हैं 27,000 से 28,000 रुपए की प्राइस रेंज में, जो आपको अच्छे कैमरास, फ्रंट कैमरास प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें ओप्पो एफ थ्री है जिसमें आपको ड्यूल लेंस कैमरा मिलता है 16+8 मेगापिक्सल का, तो इससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है ड्यूल लेंस कैमरे से। और नो डाउट दोस्तों यहाँ पे जो वीवो है ये एक अच्छा ब्रांड है, चाइना में टॉप 3 में आता है, पूरे वर्ल्ड में आई थिंक ये टॉप 5 ब्रांड्स में आता है, लेकिन यहाँ 36,000 रुपए की सिर्फ सेल्फी, ना HD स्क्रीन, ना कोई इसकी प्रीमियम मेटल बॉडी डिजाइन, ना इसमें आपको मिलती है फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट वगैरह। और दोस्तों ये सब चीजें आपको मिलेंगी 27,000 से 28,000 रुपए की प्राइस रेंज में। और जो चीज आपको नहीं मिलेगी वो है 24 मेगापिक्सल वाली सेल्फी विद मूनलाइट फ्लैश। दोस्तों हद होती है यार, अब एक सेल्फी के लिए आप वीवो से लुटोगे क्या? 16 मेगापिक्सल+8 मेगापिक्सल का जो ड्यूल लेंस कैमरा है, इससे आपको अच्छी सेल्फी देखने को मिलेगी, तो आप इतने पैसे क्यों वेस्ट करोगे वीवो के ऊपर? तो वीवो माना कि यार आपके फोन अच्छे हैं, आप अच्छा ब्रांड हो, लेकिन पाकिस्तानी वाम के ऊपर सिर्फ एक सेल्फी के लिए इतना ज्यादा जुल्म। खैर दोस्तों आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छी सेल्फीज के लिए इस फोन के ऊपर 36,000 रुपए वेस्ट मत करें। बाकी जो इसमें चीजें हैं, काफी ज्यादा चीजें आपको 27,000 से 28,000 रुपए की प्राइस रेंज वाले फोन में भी मिल जाएंगी। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या आप ये फोन बाय करेंगे और वो भी जस्ट सेल्फीज के लिए? वेल दोस्तों यहाँ पे मैं दे रहा था आपको अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस। अगर आप वीवो के फैन हैं तो अपना दिल छोटा मत कीजिए, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है दोस्तों कि ये जो डिवाइस है वीवो V7 Plus, ये काफी ज्यादा ओवर प्राइस डिवाइस है। लेकिन मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ वीवो क्योंकि एक अच्छा स्मार्टफोन ब्रांड है, तो इस वीवो की तरफ से हमें फ्यूचर में अच्छे स्मार्टफोन अच्छी प्राइसेस में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अगर आप वीवो के फैन हैं तो आपकी मर्जी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों यहीं तक थी, इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।